और अब बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर मचे हड़कंप की, क्योंकि हत्या की जांच अब भी जारी है। मगर इस बीच बावनिया गैंग ने धमकी ये दी है कि 48 घंटे के भीतर वो मूसेवाला के कत्ल का बदला लेंगे। पंजाबी सिंगर मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी यह सबसे नई सीसीटीवी तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज में सिंगर मूसेवाला की थार जीप और हमलावरों की बोलेरो और करेला कार साफ नजर आ रही है। 29 मई को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला का सरेशाम मर्डर हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई है, हमने सारे रास्ते हैं वहां से भी अलग अलग एरिया से अलग अलग टाइम्स के बीच हमने फुटेज निकाली है, तो काफी सारी अहम लीड्स है जहाँ ये करोला कार है जिसने रेकी की है, क्या रूट लिया है, रास्ते में कहाँ रुकी है, कहाँ ओवरटेक किया है, काफी मैनेज किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कहाँ उस एग्जिट रूट उसने क्या लिया है, कहाँ ये करोला गाड़ी अबैंडन मिली है, उसके बाद आगे बोलेरो गाड़ी कहाँ अबैंडन मिली है, कहाँ पे ऑल्टो गाड़ी स्नैच हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। टेक्निकल एविडेंसेस भी हमारे पास है और साथ में हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। मूसेवाला मर्डर केस की तहकीकात से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मर्डर में 6 से 7 हमलावर शामिल थे, जिसमें 3 की पहचान हो चुकी है। हमले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए मानसा पुलिस लॉरेंस को कस्टडी में लेने वाली है। पंजाब पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली है। लॉरेंस ने कोर्ट से मांग की है कि मूसेवाला मर्डर केस में उससे किसी भी तरह की पूछताछ दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही हो, उसे पूछताछ के लिए पंजाब ना भेजा जाए क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। कि इसकी जान को खतरा है, पंजाब पुलिस कभी भी कर सकती है, लेकिन इस टाइम पे जो ये हालात बन चुके हैं, इस टाइम हालात जो है बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है ओपनली वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है और पॉलिटिकली इतनी ज्यादा वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी है कि कभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या प्रेशर में आकर पंजाब पुलिस को आनन फानन में इसको ले जाके वहां पे इसका फेक एनकाउंटर ना कर दे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस समय एक पुराने मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के रिमांड पर है। इससे पहले वो तिहाड़ जेल में बंद था। लॉरेंस बिश्नोई का दावा है कि सोशल मीडिया में उसके हवाले से जो चीजें पोस्ट हो रही हैं, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार को गिरफ्त में लेने के लिए भी पंजाब पुलिस सेंट्रल एजेंसी की मदद ले रही है। इस बीच मूसेवाला मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। कुख्यात गैंगस्टर सराज सिंह उर्फ मिंटू अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि मिंटू के इशारे पर वारदात में इस्तेमाल हुए वाहन मुहैया करवाए गए। पुलिस को आशंका है कि सराज के इशारे पर ही हत्याकांड में कुछ छात्रों को शामिल किया गया था। सराज उर्फ मिंटू ने अक्टूबर 2017 में हिंदू नेता विपिन शर्मा की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। गैंगस्टर मिंटू कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के गिरोह का खतरनाक गुर्गा है। साफ नजर आ रहा है कि साजिश गहरी है और इसकी कई परतें उतरनी बाकी हैं। मानसा से अरविंद ओझा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।